हाँ जी हेलो। हाँ जी, जय माता जी की। जय माता दी। मैं क्या, आप वैष्णो देवी कटरा से बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं कटरा नहीं गया हूँ, मैं आ गया हूँ वापस। बताइए क्या जानकारी चाहिए आपको? मेरे को ना एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे। हाँ जी हाँ जी। मेरे ना यानी कि कुछ गेस्ट ना यानी कि वहाँ गए हुए हैं भवन में कटरा। अच्छा, कब दर्शन किए? तो उनका है ना कोई यानी कि पीछे से कोई फोन फोन ही आया था, थोड़ी ना हमको परेशानी हो रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नहीं, दर्शन कब किए उन्होंने? और ये भी नहीं पता ना दर्शन कब किए उनका, यानी कि फोन ही नहीं आया। वो तो कल सुबह के गए हुए थे यहाँ से, कल सुबह की ट्रेन उनकी सुबह की थी, वो शाम को पहुंच गए थे। उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी सुबह से 10 बजे। हाँ, सुबह से ना। एक्चुअली हुआ क्या, रात को एक हादसा हो गया ना। हाँ, वो तो मैंने देखा न्यूज में। मैंने हाँ, उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी थी ना, उनका फोन भी नहीं अभी आया ना मेरे पास, थोड़ी परेशानी हो रही थी। ये बात तो सर, अभी शाइन बोर्ड में हम भी बात कर रहे हैं कस्टमर केयर में ना, कि कोई नंबर वंबर मिल जाए जहाँ से मतलब बंदों का पता चल जाए, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जितने भी यात्री भवन पे फंसे हुए हैं, रास्ते में फंसे हुए हैं ना, उनको फटाफट दर्शन करके उतार रहे नीचे। तो ऊपर तो आप ये मान के चलिए भी चार्जिंग की भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, माता रानी का नाम जपिए, सब ठीक होगा। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ है कि खाने की व्यवस्था, चार्जिंग की, ये सब नहीं मिल पा रही है। तो हम इस देखा न्यूज में, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आप इंतजार कीजिए, माता रानी का नाम जपिए, सब अच्छा ही होगा। प्रभु जी, जो भी कोई अपडेट आएगा मैं डाल दूंगा। ठीक है ठीक है। ओके ओके। जय माता जी की।